अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा से हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज सुबह उठकर वही रूटीन वाइज जानवरों का दूध दोकर चारा डालकर नाश्ता कर अब मैं काम शुरू करने लगा हूँ, जो कि मैं पहले ब्लॉग में करता था, इधर आकर भी करता रहा, लेकिन आज से मैं फिर दोबारा शुरू करने लगा। तो ये है टेक्सटाइल प्रिंटिंग का काम। तो चलते हैं कि कैसे मैं काम करता हूँ, आपको दिखाते हैं। ये तीन कलर है दोस्तों। ये कलर पहला मैं लगा चुका हूँ, ये वाला, ये है मेहंदी कलर। तो अब मैं ये दूसरा कलर लगाने लगा हूँ, ब्लैक। इसके ऊपर दूसरे से मैं ब्लैक करूँगा। तो आप लोग देखेंगे मैं कैसे करता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये दूसरा कलर मैं जिसके दरमियान में लगा रहा हूँ। पहला ये वाला लगा है, अब ये दूसरा यहाँ के दरमियान में लगाऊंगा। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपने दूसरा कलर लगाया रहा हूँ। दूसरा कलर लग चुका है, अब तीसरा बारी है आखिरी का। इसके साथ ये शाल फिर हो जाएगी। तो निजामुद्दीन कहता है कि मुझे भी दो, मैंने भी कलर करना है, लेकिन इससे खराब हो जाए। नहीं खराब होता है, होता है। अच्छा, चुप कर। तो अब ये तीसरा कलर लग रहा है। ये कलर लगने के बाद ये वाली शाल तैयार हो गई। नमुदीन तो उठाना है, मैं तेरे बिस्तर मार लेना। जैसे दोस्तों, ये ज्यादा कलर लग गया है,
इसको हम ऊपर से इस तरह साफ करेंगे ना, थोड़ा सा कलर है कि वो इस कपड़े में आ जाएगा तो उधर वो कलर फिर ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये अब तीसरा कलर लग चुका है और यहाँ पे अब ये शाल फाइनल हो चुकी है। ये आप देखें, ये ब्लैक है, ये मेहंदी है और ये गोल्डन कलर है। ये देखिए मुकम्मल शाल ये तैयार हो चुकी है, तीनों कलरों के साथ ये शाल तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ये तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और मेरा ये काम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।